वार्ड नंबर 9 से जिला परिषद के उम्मीदवार हैं अनीश अहमद, इनसे बात करते हैं किस तरीके से इनको लोगों का सहयोग मिल रहा है, किस तरीके से गांवों में जाकर समर्थन मिल रहा है। आज इन्होंने रोड शो किया है, क्या कहना है अस्सलाम वालेकुम, मैं अनीश अहमद वार्ड नंबर 9 से जिला पार्षद का उम्मीदवार हूँ। आज जो मेरा ये प्रोग्राम अटबर गाँव में हुआ है और जो मुझे इतना भारी समर्थन मिला है, इंशाअल्लाह वार्ड नंबर 9 से हम यहाँ पर जीत दर्ज करेंगे। बाकी सभी और गाँव से भी अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोग बीच में जा रहे हैं, कुछ मुद्दे भी सामने आते हैं, किस तरीके के मुद्दे सामने आते हैं, उनका किस तरीके से निपटारा करने का? अधिकतर मुद्दे हमारे यहाँ मेवात में एजुकेशन और हेल्थ के हैं। इन दोनों एजुकेशन और हेल्थ के मामले में हमारा मेवात हमेशा पिछड़ा रहा है। हमारी जो प्रायोरिटी रहेगी हेल्थ और एजुकेशन को सुधारने की रहेगी। सबसे ज़्यादा ध्यान हम पढ़ाई लिखाई स्कूलों पर देंगे। बाकी मेवात के वार्ड नंबर 9 में पानी की समस्या को भी बहुत अधिक देखा गया है, तो हम इसको भी निपटाने की कोशिश करेंगे। अटबर गांव में पूरी तरीके से अनीश भाई को समर्थन मिल रहा है और हमारे गांव में दो कैंडिडेट हैं, इंशाल्लाह ताला दोनों से भी ज़्यादा है, सो भारी बहुमत के साथ अनीश भाई जाएगा इंशाल्लाह। देखो जी, अनीश भाई को जो समर्थन दिया है पूरे का, जो हमारे जितने भी इधर के कैंडिडेट हैं, जितनी हमारी जो पार्टी के जो जितने भी लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है सब ने खुश होकर के अनीश भाई को मतलब के अपना बनाया है। और इंशाल्लाह सरपंच वगैरह ने भी मतलब के यही कहा है कि अनीश भाई को हम जिताएंगे। हमारा टोटल मानोठिया परिवार से पूरी कम्प्लीट समर्थन अनीश भाई लोग टोटल, और पूरा गाँव से जो भी हमारी पार्टी है तो पूरी टोटल सारी पार्टी को समर्थन। सर यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का और उसका ही ज़्यादा वो है, इस वजह से इसी चीज़ पे ध्यान दिया जाएगा। और अटबर गांव का बहुत बहुत धन्यवाद, इस गांव से इतना बड़ा समर्थन मिला, इस चीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद अटबर गांव के लिए। आप युवा हो, अनीश के साथ खड़े हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, इंशाल्लाह जीत कामयाब रहेगी जी, बल्ले पर इंशाल्लाह जीत पक्की है। 30 तारीख आने वाली 30 तारीख को बल्ले के सामने वाला बटन दबाएं, भाई अनीश को विजय बनाएं। जैसे कि हमने लोगों से बात की, इन्होंने बताया कि आने वाली 30 तारीख को बल्ले के निशान पर बटन दबाकर अनीश भाई को विजय बनाना है। अब देखते हैं कि 30 तारीख को किस तरीके से लोगों का समर्थन अनीश को मिलता है और वो जिला पार्षद बनकर लोगों का कितना विकास कराते हैं।